الحمد لله الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کیونکہ وہی ہے غالب حکمتوں والا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بڑے غصے اور بڑے غضب کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नुमायां पहलू ये है कि आप जो कहते थे उस पर अमल करके दिखाते थे। जिन बातों का आपने उम्मत को हुक्म दिया उससे बढ़कर आपने उन पर अमल करके दिखाया। इस सिलसिला में मैं नमाज का जिक्र कर चुका हूँ कि आपने उम्मत को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और खुद आपने 6 नमाजें पढ़ के दिखाई। उम्मत को जो फर्जी रोज़ों का हुक्म दिया गया वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और उससे पहले कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अय्यामम मादूदात। वो चंद गिनती के दिन हैं जिनके रोज़े फ़र्ज किए गए। फिर उन अय्यामम मादूदात को खुद ज़िक्र कर दिया, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उम्मत पर फ़र्ज़ किए गए। इसके अलावा नफली रोज़े हैं, रख लें तो सवाब है, न रखें तो उस पर गुनाह नहीं है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कैसे अमल किया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी आप रोज़े रखने पर आ जाते तो इस तरह लगातार रोज़े रखते चले जाते कि हम तसव्वुर करते कि ये दरमियान में कोई दिन भी नहीं छोड़ेंगे। मुसलसल आप रोज़े रखते चले जाते। अय्याम बीज
हर महीने की 13, 14, 15 इनके रोज़े भी आप रख रहे हैं। हर सोमवार और हर जुमेरात के दिन भी आप रोज़ा रख रहे हैं। उम्मत को तो सिर्फ़ एक महीने के रोज़ों की फर्जियत के बारे में आगाह किया, लेकिन आप ख़ुद उस पर किस तरह अमल कर रहे हैं? अय्याम 20 के रोज़े हैं, हर जुमेरात और हर सोमवार के दिन आप रोज़ा रख रहे हैं, और कभी कभी आप दो दो तीन तीन दिन दरमियान में कुछ खाए पिए बग़ैर मुसलसल रोज़े में गुजारते हैं। सौमे विसाल, उम्मत को इससे मना किया। एक है सौमे दाऊदी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े। सौमे दाऊदी है, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार, इसे कहते हैं सौमे दाऊदी। सौमे विसाल ये है, लगातार रोज़े, हर रोज़ रोज़ा, दरमियान में कोई इफ्तार नहीं, इससे मना किया। लेकिन ये जो आपका रोज़ा है ना, ये सौमे विसाल इस तरह है कि बीच में आप कुछ नहीं खा रहे हैं, ना रात में ना दिन में, मुसलसल रोज़े में गुजार रहे हैं। और सहाबा ने जब इसकी नकल उतारनी चाहिए कि हम भी इस तरह का रोज़ा रखें, तो आपने सहाबा को इससे मना कर दिया, तुम ये काम ना करो। वहां आपने एक जुमला कहा, आपने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है जो मुझ जैसा है? मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है, मेरा रब पिलाता भी है, यानी मेरा एक अलग मकाम है, रब से मेरा एक अनोखा सा ताल्लुक है, रब से मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी अकीदत, मेरा ताल्लुक। तुम में से कौन है जो इस अकीदत में, मोहब्बत में, ताल्लुक में मुझ जैसा हो? तुम में ऐसा कोई नहीं है। अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? ये किस में कहा था? यानी जो मेरा रब से क्या है, ताल्लुक है, मोहब्बत है, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। तो मैंने कहा ना कि जुमे का जो खुतबा होता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसमें तसलसल हो, जोड़ हो, रबत हो, बल्कि ये वाज होता है कि लोगों को कोई बातें समझ आ जाए, समझा दी। जिन लोगों ने अंबिया की बशरियत का इनकार किया और उन्होंने ये नज़रिया दिया अपने अवाम को कि नबी बशर नहीं होते, बल्कि उन्होंने कहा कि वो नूर होते हैं, सिर्फ नूर नहीं बल्कि नूर मिन नूर, अल्लाह के नूर में से, वो जो आप एक शेर पढ़ते हैं, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, हाँ जी, नूरे खुदा के ज़ाहिर होने की जगह, वो हज़रत अली हजवेरी के मुतालिक पढ़ दिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो वो आम पढ़ते रहते हैं, नूर मिन नूर, अल्लाह के नूर में से निकले हैं। और इसकी दलील कोई नहीं, कुरान में, हदीस में, फिका में, खुदा गवाह इसकी कोई दलील नहीं।
वो जो कुरान ने कहा ना कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हमारे दोस्त वो बड़ी लय ले के सुर लगा के पढ़ते रहते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन, तो उनसे मेरी गुजारिश है तुम्हारा नजरिया है नूरुम मिन नूरिल्ला, और इस आयत में जिक्र है सिर्फ नूर का, ये तुम्हारी दलील कैसे बन गई, ये तुम्हारा इस्तिदलाल कैसे हुआ, दावा है नूरुम मिन नूरिल्ला और दलील आप दे रहे हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, और उसमें भी बहस है इस नूर से मुराद क्या है, नूरुम व किताब मुबीन में वाव कौन सी है, आत्फा है या बयानिया है, वाव तफसीरिया है बयानिया, नूर ही की तफसीर हो रही है, मैं माना कर देता हूं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, व किताब मुबीन यानी रोशन किताब आ गई, उस नूर को बयान किया। दलील इसकी क्या है, दलील इसकी ये है कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर से पहले इब्तिदा में, आयत के इब्तिदा में अल्लाह ने नबी पाक का अलग से जिक्र कर दिया है, वो जिक्र हो चुका है आयत की इब्तिदा में, तो अब यहां किताब मुबीन का जिक्र हो रहा है, और अगर फिर भी किसी को जिद हो इस बात की कि नहीं यहां से नूर नबी पाक मुराद हैं, तो मैं कहूंगा कि चलो आपकी ये बात मान भी लें, तो किताब मुबीन के आगे पढ़िए तो सही क्या अल्लाह ने कहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, व किताब मुबीन रोशन किताब आ गई, यहदी बिहिल्ला, अल्लाह इस नूर के साथ क्या देता है, नूर से मुराद नूरे हिदायत है, यानी कुफ्र के अंधेरों में नबी पाक के इरशादात जो हैं वो क्या हैं, नूर है, रोशनी है, रास्ता दिखाते हैं, इसी तरह कुरान भी नूर है। दलील कोई नहीं नूर मिन नूर इल्ला की, लेकिन मुसलसल पढ़ा जा रहा है, मुसलसल मिंबर पे बयान हो रहा है कि नबी पाक नूर मिन नूर इल्ला है, अल्लाह के नूर में से हैं, ले दे के सिर्फ एक हदीस पेश की जाती है, आप अन जाबिरिन, हजरत जाबिर से रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, यही एक दलील है, यहां भी नूर मिन नूर इल्ला का कोई जिक्र नहीं, लेकिन यही एक हदीस है जो हजरात पेश करते हैं, कभी कहते हैं फलां बुजुर्ग ने लिखा है, फलां किताब में लिखा है, फलां किताब में लिखा है। आपको लुत्फ की और इल्म की बात बताऊं, अगर आप अपने पल्ले बांध लें, जितने लोगों ने इस हदीस को रिवायत किया उन्होंने इसका माखज मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक को करार दिया। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक एक किताब है हदीस की 11 जिल्दों में, सब ने उसके जिम्मे लगा दिया कि यह हदीस किस में दर्ज है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने यह हदीस नकल की है, बाद के लोगों ने लिखी यह हदीस, लेकिन जिम्मे लगाते चले गए मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के। जिस बंदे ने यह हदीस घड़ी थी और नबी पाक के जिम्मे लगाई थी, उसने सोचा कि मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक गैर मारूफ किताब है, मशहूर किताब नहीं है, इसने कब शाया होना है, कब आम होना है, कब पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में यह पहुंचनी है, चलो इस दे जिम्मे लाओ, ना ये छपेगी ना किसी नु पता लगेगा। उसने जिम्मे लगा दी, बाद वाले मक्खी पे मक्खी मारते मारते चले आए। लबनान और बैरूत के कुतुबखानों ने 1975 में इस किताब को शाया कर दिया, लबनान वालों ने, बैरूत ने इस किताब को शाया कर दिया, पाकिस्तान में भी आ गई,
हमने भी खरीद ली, हमारे मकतबे में आज भी मौजूद है, 11 जिल्दों में है। खंगाल खंगाल के थक गए हैं। इस हदीस का नाम निशान, जिसने घड़ी किस पर झूठ बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, बोतान बांधते हुए तुम्हें हया भी नहीं आती, कल कयामत के दिन नबी पाक का सामना कैसे करोगे। मैं यहां मिंबर पर एक बात नहीं कहता और आप बाहर जाके कहते हैं कि बंदियालवी ने यह कहा है, मैंने नहीं कही। इसको क्या कहते हैं, किस पर, मुझ पर, इसका गुनाह जानते हैं आप। एक हदीस में आया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी पर बोहतान बांधना है, सबसे बड़ा गुनाह किसी पर झूठ बोल देना, गलत बात उसकी तरफ मंसूब कर देना, बोहतान बांधना। आज तो अवाम रह गए हैं, उलमा मदारिस में रहने वाले मिंबर पे बैठ के एक दूसरे पर क्या बांध रहे हैं। कोई तहकीक सोच विचार वो मादा ही कोई, मुझ पर बोहतान बांधना ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। जिस बंदे ने आमना के लाल पर बोहतान बांधा हो, जिस रिवायत का वजूद नहीं, हदीस की किसी किताब में नहीं, बंदयालवी कच्ची गलां करन दा आदी नहीं। यूं ही चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि कल मेरे मुंह पे कोई मार दे कि ये फुलां हदीस में लिखा हुआ है, सनद पेश करो। बगैर सनद के कोई हदीस नहीं मानी जाती। मुस्लिम वाला कहता है अगर सनद ना होती ना तो जो जिसके दिल में आता वो कहता चला जाता और नबी पाक के जिम्मे। सनद को निकालो, बस नबी पाक के जिम्मे लगा दो। ये मोबाइल पर भी आप लोग कई हदीसें कहते हैं जी, इसको आगे शेयर करें जी, आगे पहुंचाएं जी, ये नबी, हालांकि नबी पाक का वो फरमान नहीं होता। तो आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप यूं ही नबी पाक के जिम्मे लगा के एक बात को, हाँ जी, उसको नबी पाक के जिम्मे लगाएं। वैसे तो पाकिस्तान में हर बंदा MBBS डॉक्टर है, हर बंदा मुफ्ती है, हर बंदा मुफ्ती भी घाट नहीं, मुफ्ती कफायतुल्ला, मुफ्ती आजम हिंद। कभी मैं बैठा हूं या एक दो आलिम बैठे तो एक बंदा आ गया, उसने कहा जी एक मसला है जी, हमने कहा जी पूछो, उसने मसला पूछा, हाले ऐसा चुप हाँ, जेड़ा त्रिया बंदा बैठा वो दसन शुरू हो गया। हर बंदा मुफ्ती है। आप किसी बीमारी का जिक्र करें फिर नुस्खे आप देखें, इधर से एक नुस्खा आएगा, इधर से एक नुस्खा आएगा। हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा मुफ्ती है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम हदीसों को आगे नशर करते रहो बगैर तहकीक के। हां सही हदीस हो, मसलन तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिम, इल्म का तलाश करना हर मुसलमान पर फर्ज है। शेयर कीजिए, फैलाइए फैलाइए, सही हदीस है। अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, फैलाइए। मुस्तनद तो हो, यूं ही एक बात नकल करके ये नबी पाक का फरमान है इसका जुर्म समझते हो, कल अल्लाह के नबी को क्या जवाब दोगे। बोहतान बांधना और बोहतान भी नबी पाक पर, जिस हदीस का ना कोई सर ना पैर कुछ भी नहीं है, उसे लोग धड़ल्ले से बयान करते।
रोका जाए तो लोग कहते हैं हम तो बचपन से सुनते चले आए, हूँ तो सा बचपन तू गलत सुन दे आए हो तो असं की करिए, इसमें हमारा क्या कसूर है, तुम गलत सुनते आए हो तो वो गलत हम भी गलत पढ़ते चले जाए। कि हदीस कुदसी है जी, अल्लाह कहता है मेरे प्यारे पैगंबर जो तैन ना बनाना होंदा तो असी कुछ भी ना बनाते। कहां लिखी हुई है भाई, लऊ लाका लमा खलक तुल अफलाक, लफज भी पढ़ देता हूं, लऊ लाका लमा खलक तुल अफलाक, कहां है भाई, बुखारी में है, मुस्लिम में है, त्रिमजी में है, इब्ने माजा में है, नसाई में है, अबू दाऊद में है, मोता इमाम मालिक में है, मुसनद अहमद में है, मुसन्नफ अब्दुल रजाक में है, मिशकात में है, कहां है। कह जी मुस्तदरक हाकिम में है, पहले तहकीक ते कर लो भाई हाकिम सीन है के शीन है, पहले ये तो तहकीक कर लो कि ये कौन था। मुस्तदरे के हाकिम ने लिख दिए तो मुस्तदरे के हाकिम ने लिखी तो मुहद्दिसीन ने इस पर क्या जरा की, इसके रावियों पर बहस करते हुए मुहद्दिसीन ने क्या कहा, तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफिक है कि लौला कलमा खलकतुल अफलाक वाली जो रिवायत है मौजू और मन घड़त है, इसका नबी पाक से कोई सबूत हो नहीं, किसी के पास है तो पेश करें। ले आए, चैलेंज करना मेरा ना आदत है ना मैंने कभी आदत अपनाई है, नहीं है किसी हदीस में, जिसने नकल किया उस पर जरा मौजूद है। हाजा हदीसुन मौजून, मौजू का क्या मतलब, वजा की गई, वजा की गई, घड़ी गई, घड़ी गई। तुम अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, गालबन मुल्ला अली कारी ने लिखा, गालबन अगर मेरा हाफजा काम कर रहा है तो मुल्ला अली कारी ने लिखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके घराने के फजाइल के बारे में 300,000 हदीसें घड़ी गईं। सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो, कितनी जी, ये तो दुआएं दें आप उलमाए मुहद्दिसीन को जिन्होंने छांटी कर दी है, अस्माए रिजाल की किताबें लिखी उन्होंने छांट दिया। आप जानते हैं बुखारी में कुल कितनी हदीसें हैं, 5,000 कुल। और ये जो लोग कहते हैं फलां आलिम हाफिजुल हदीस हैं जी, उन्होंने लख हदीसां याद ने, लख हैं किथे, लख हैं किथे, लाख हदीसें याद हैं जी उनको, बस जो जो जिसके दिल में आता है वो पढ़ता चला जाता है, बयान करता चला जाता है, बातें उड़ाता चला जाता है, ये सब फर्जी मकूले हैं। फलां बुजुर्ग फौत हुए उन्हों की कब्र की मिट्टी बिचू खुशबू आन लगी, यार किसी ने किसी साहबी ने रिवायत की है हजरत बकर की कब्र से खुशबुएं आती थी, हजरत आशा ने रिवायत किया हो, वो तो उस घर में रहती थी यार, हजरत उमर की कब्र से खुशबू, ये सारा वो फारसी का एक मकूला है, फारसी का मकूला तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तर्जमा मेरे जहन में आ रहा है, पीर आप नहीं उड़दे मुरीद उड़ांदे ने, पीर खुद नहीं उड़ते, कौन उड़ाता है, ये घड़ती हैं सारी बातें करामते। झूठी रिवायतें बयान करते हो कि तुझे ना बनाया होता तो हम कायनात की कोई चीज ना बनाते, ये सारी कायनात हमने अपने नबी के लिए बनाई है, पढ़ो कुरान, आप सबको ये आयत याद होगी, मैं शुरू करूंगा आगे आप पढ़ते चले जाएंगे, वमा खलकतुल जिन्ना, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ एक गरज के लिए पैदा किया है कि इस धरती पर मेरी इबादत, इस कायनात की तखलीक का मकसद ये था।
अल्लाह की तौहीद। क्यों जी? आप सब ने यह हदीस सुनी होगी उलमा से, जब इस दुनिया में कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, क्या जाएगी? एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा तो कयामत नहीं आएगी। एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा तो कयामत आ जाएगी। क्यों? अल्लाह कहेंगे जिस मकसद के लिए कायनात सजाई थी उसको मानने वाला ही कोई ना रहा, अब हमने दुनिया बसा के क्या लेना है? कयामत कायम कर। मुल्ला अली कारी ने एक बात लिखी लौला का लमा खलक तो लफलाक पर, इस हदीस पर कि तुझे ना बनाया होता तो कुछ ना बनाते। कहते हाजा हदीस उन मौजून वलाकिन माना हो सही उन, रिवायत तो मौजू है मन घड़त है लेकिन माना इसका दुरुस्त है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हदीस तो क्या है? मौजू मन घड़त है, ये नबी पाक से साबित नहीं है लेकिन इसका माना दुरुस्त है। मुल्ला अली कारी बहुत ऊंचा आदमी है, पता नहीं क्या माना करना चाहता है। एक माना किया मेरी जमात के शेख मौलाना हुसैन अली ने रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया मैं माना करता हूं। मुल्ला अली कारी कहता है ना कि माना सही है तो माना मैं कर देता हूं। मैं हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ माना बयान करता हूं, आपको पसंद आ जाए कि जबरदस्त माना किया है मजा आ गया तो फिर सुभान अल्लाह कहेंगे ना आप। मौलाना हुसैन अली कहती हैं माना इसका ये है कि मेरे प्यारे पैगंबर, मेरे महबूब पैगंबर, अगर मैंने तुझे पैदा करके और तेरी ज़बाने मुकद्दस से अपनी तौहीद का ऐलान न करवाना होता तो मैं कायनात पैदा भी ना करता। हमने तो कायनात ही इसलिए पैदा की है कि नबी भेजे और नबियों की जबान से अपनी तौहीद का ऐलान करवाते रहे। ये कायनात बनी है अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह की वहदानियत पर बतौर दलील। कैसे समझाऊं आपको? अल्लाह की तौहीद पर बतौर दलील, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज, सुभान अल्लाह, जमीनों आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह पड़ती है। हर चीज, ये लकड़ी भी, ये पत्थर भी, ये लकड़ी भी, परिंदे भी, दरिंदे भी, चरिंदे भी, चींटियां भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, मच्छर भी, जमीन से उगने वाला तिनका भी, फल भी, फूल भी, सब्जा भी, फसलें भी, अनाज भी, रेत के जर्रे भी, पहाड़ के कंकर भी, सितारे भी, चांद भी, सूरज भी, बादल भी, बिजली भी, पड़ने वाली बारिश के कतरे भी, ओले भी, अल्लाह अकबर, कुछ की तस्बीह है कौली, जैसे हमारी कौली, क्या हम कहते हैं सुभान अल्लाह, ये हमारी तस्बीह, और कुछ की तस्बीह है हाली, गल मुश्किल नहीं होगी लेकिन आसान कर देता हूं, लुत्फ आ जाएगा आपको। कुछ की तस्बीह है कौली, जिनकी जबानें हैं, जबान से तस्बीह पढ़ती हैं, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। कुछ की तस्बीह है हाली, जिनकी जबान कोई नहीं, तिनका, फूल, फल, अनाज, जर्रा, कंकर, उनकी तस्बीह हाली है। ये पत्ता बज़बाने हाल कहता है,
مولا میرا وجود اس پر گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ یہ تسبیح ہے حالی، ان کی حالت بتاتی ہے، ان کی حالت بتاتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز تسبیح پڑھ رہی، کچھ قولی کچھ حالی، ان کی حالت بتاتی۔ ذمہ داروں، آپ میں سے جو ذمہ دار ہیں، تلاگنگ کا علاقہ ہو، اٹک کا علاقہ ہو، ایبٹ آباد کا علاقہ ہو، مانسیرے کا علاقہ ہو، وادی ناران ہو، کاغان ہو، پتھریلی زمین ہو، پہاڑ ہو، اس میں سے کونپل باہر نکلے، کتنی کتنی زور آور ہوتی ہے جی، کوئی سریے دی ہوتی ہے، تار ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہو۔ کبھی جائیں وادی کاغان، ناران، بالا کوٹ، گزریں وہاں سے گڑی حبیب اللہ، کہاں سے نیچے سے درخت شروع ہوتے ہیں، کیسے سیدھے اوپر جا رہے ہیں۔ پہاڑوں سے نکل کھڑے ہوئے، پہاڑوں پہ سبزہ ہی سبزہ، یہ تنکا جسے پھونک مارو دوسری طرف جا لگے، یوں اکھاڑو بچہ بھی اکھاڑ کے باہر پھینک دے۔ تم نے کبھی نہیں سوچا اس نے پتھریلی زمین کا سینہ کیسے چیرا، کیسے چیرا، چیر کے کیسے باہر نکلا، یہ چیر کے باہر نکلا اور سیدھا رخ آسمان کی طرف کیا۔ صوفی کہتا ہے، ایک صوفی کہتا ہے، صوفیاں دی گل ایڈی معتبر تے نہیں ہوندی، لیکن یہ بات صوفی نے بڑی خوبصورت کہی، کہیں پڑھی تھی میں نے، یہ بھی اب یاد نہیں رہا کہ کہاں پڑھی تھی۔ صوفی کہتا ہے یہ کونپل انگوری پتا زمین سے باہر نکلا، سیدھا رخ آسمان کی طرف کر کے کبھی مشرق کی طرف رخ نہیں کیا، اس نے کبھی مغرب کی طرف رخ نہیں کیا، کبھی اس طرف نہیں، کبھی اس طرف نہیں، سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے باہر نکلا۔ اسے پتا نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ پتا بزبان حال کہتا ہے، مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز ہماری تسبیح پڑھ رہی ہے۔ تو یہ کائنات اللہ نے کسی ہستی کے لیے نہیں بنائی۔ یہودی کہتے تھے لولا عزیر، جی ہاں، عیسائیوں نے کہا لولا عیسیٰ، عزیر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ انہوں نے بھی حدیث گھڑی، میرا سونا جے تو نہ ہوندا اسی کچھ بھی نہ بنا دے۔ نہیں، یہ کائنات کسی ہستی کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ کائنات بنائی گئی ہے توحید پر بطور دلیل، کہ لوگ استدلال کریں، لوگ کائنات کی چیزوں سے میری وحدانیت پہ کیا کریں، استدلال کریں، استدلال دلیل پکڑیں۔ جس طرح رب نے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ استدلال کی۔ آپ میرا گمان ہے، اچھا گمان کرنا چاہیے، میرا گمان ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، میرے جو گمان دیکھ کے آپ قرآن پڑھتے ہو، آگے پیچھے اگر پڑھنے کی توفیق نہ بھی ہو تو رمضان میں تو
पढ़ते हैं, शौक होता है, बच्चे पढ़ते हैं, हमारी बेटियां बहनें माएँ सब पढ़ते हैं। जब ये कुरान पढ़ते हो नाजरे नाजरा देख के, उसमें यार एक लफ्ज पढ़ते हो अल अर्ज, क्या मैंने जमीन, फिर पढ़ते हो असमावात, क्या मैंने आसमान, अल जिबाल पढ़ते रहते हो कुरान में, ये कुरान में जगह जगह लफ्ज आते हैं, अल लैल अल नहार अशजर अशम्स अल कमर अल कवाकिब अल बर खुश्की अल बहर तरी समंदर दरिया पढ़ते हो पढ़ते हो। ए अल्लाह तुहानू कहानियां सुना, नहीं नहीं कहानियां सुना, अल्लाह कुरान में कहानियां सुना रहा है, जमीन आसमान पहाड़ रात दिन सूरज सितारे बारिश ओले बादल गरज चम, ये कहानियां सुना रहा है तुम्हें, ये सारी चीजें अपनी उलूहियत पर बतौर दलील पेश करता है। अल्लाह कहते हैं मुझे ही इला मानो, अल्लाह कहता है मुझे ही माबूद मानो, मेरे सामने ही सजदा रेज होवो, मेरी ही इबादत करो, मेरे नाम ही की नजरों नियाज दो। मौला क्यों, अल्लाह फरमाती है इसलिए कि चलते हुए पानी पर जमीन को मैंने बिछाया है, दलील देते हैं अल्लाह मैंने बिछाया है, अगर ये करने वाला मैं हूं तो फिर माबूद भी मैं, बगैर सुतूनों के इतनी बड़ी छत मैंने बनाई है, जमीन डोलने लगी उस पर पहाड़ों की मेखें मैंने ठोकी हैं, जमीन का सीना चीर के उसमें समंदर दरिया नहरें नदियां नाले मैंने बहाए हैं, मुझे ही इला मानो मुझे ही माबूद मानो, वरना जाओ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ का सीना चीर कर उसमें से पानी के चश्मे मैंने जारी किए हैं, कहीं ठंडे हैं कहीं गर्म हैं मैंने जारी किए हैं। ये दरख्त देखो ये फल देखो, फल बड़े खांदे हो, कदी गौर भी कीता करो यार, केले को चीरते हुए अनार के दो हिस्से करते हुए, अनार को चीरते हुए खाने से पहले गौर किया करो अल्लाह ने उसमें एक झिल्ली फिट करके मोतियों की तरह अनार के दाने उसमें किस तरह फिट करके रख दिए, गौर तो किया करो यार, कभी गौर किया कर नींबू खट्टा क्यों है, गौर तो कर आम मीठा क्यों है, इस वास्ते कि जब नींबू का बीज बोते हैं तो वहां चीनी नहीं डालते इसलिए, और जब आम का बोते हैं तो वहां सात दो बोरियां चीनी की डालते हैं इसलिए ये मीठा है वो तुर्श है, तो कभी गौर तो कर इसमें मिठास कौन भर रहा है। तूने कभी गौर नहीं किया 30 फुट की बुलंदी पर खजूरें लगी हुई हैं, नीचे से पानी को प्रेशर के साथ ऊपर ले जाए, कमाल हो गया, पानी डाला तूने कहां है, हमने पहुंचाया कहां है, उनमें हमने मिठास कैसे पैदा की है। कभी फलों को चीरते हुए इस पर गौर किया कर, और फिर अनार खा के केले खा के मौसमी खा के
मालते खा के, खाने के बाद कहता है मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हजरत साहब की नजरे करम। लग जाएगा पता जब अल्लाह के पास पहुंचोगे तो। मौला तेरे भी बड़े हौसले ने, बड़े हौसले। अल्लाह कहता होर ले, और ले। असा इयो जी एफ आई आर कटना चाहते हैं जिदी जमानत ना होवे, जाना कित्थे ही। ये सब चीजें खाने के बाद नारा लगाता है या पीर मदद। वाह, ये सब कुछ खाने के बाद वो कहता है इसमें से हिस्सा निकालो फलां बुजुर्ग के नाम का। कभी दूध को जिम्मेदार, खैर हमने दूध का क्या जिक्र करना है यार, शांत दूध का जायका ही भूल गए हम। शहरियों ने क्या जिक्र करना है दूध का, पता नहीं हम क्या बला पीते रहते हैं। वो दूध नहीं होता, पता नहीं उसमें क्या करते हैं वो। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमा दे। जिम्मेदारों से पूछो जब वो दूध दोहते हैं, अल्लाह अकबर, इतना शफाफ, इतना साफ, बन कहां रहा है? जिगर में, जानवर के जिगर में। खून भी कहां बन रहा है? जिगर। बलगम भी जिगर। इसे जिगर में उठा के ले गए थे मैदे से, पहले मैदे में पहुंची थी ना गिजा, यहां से अलग किया गोबर से। अल्लाह अकबर, गोबर से, यहां से गोबर भी बना, असल गिजा भी। असल गिजा को छांट लिया, छांट के जिगर में पहुंचाया, जिगर में काम करना शुरू किया, खून बनाया, दिल को सप्लाई कर दिया, दूध बनाया, थनों को सप्लाई कर दिया, कुरान बोला, दो जगह पे बोला। मैं ये कई दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन तौहीद का जो गुलशन है उसको सैराबी होती है, पानी मिलता है, पानी लहलहाने लग जाता है। कुरान बोला इन्ना लकुम फिल अनाम लइबरा, अगर कायनात की हर चीज देखकर मेरी उलूहियत की समझ नहीं आई, दरवाजे पे बंधे हुए जानवर को देख, दलील पकड़ दलील, नुस्कीकुम, क्या बात है, क्या बात है, उस्कीकुम ना, उस्कीकुम मैंने पिलाया, मानवता मैंने पिलाया, कैसा तंतना पैदा किया, दबदबा, नुस्कीकुम हमने पिलाया, हमने, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैने फर्सिन वदमिन, जब गिजा मैदे में थी हमने गोबर से अलग कर ली, जब जिगर में थी हमने खून से अलग कर ली, गोबर का रंग गदला, फिर वो बदबूदार, खून का रंग सुर्ख, फिर वो पलीत, मिम्बई ने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान में से हमने तेरे बर्तन में डाला लबानन खालिसा, लबानन खालिसा, कहो तो सही यार, लबानन खालिसा, लबानन खालिसा। और जब तेरे बर्तन में आ गया तो तूने कहा
ये तो दाता दरबार पे जाएगा, ये पीराने पीर के नाम की ग्यारहवीं में जाएगा, ये फलां बुजुर्गों की न्याज दी जाएगी। मौला तेरे बड़े हौसले ने, मौला तेरे बड़े हौसले ने, देने वाला तू है। ये मंसूब गैरुल्लाह की तरफ करता है, शुक्रिया उनका अदा कर रहा है, और ये देने वाला कौन? अल्लाह कहती है गोबर का एक कतरा, गोबर का एक जर्रा मैंने दूध में नहीं आने दिया। तेरी तबीयत नाजुक है ना, तू नाजुक तबीयत वाला है, गोबर से नफरत करता है, मैंने गोबर का जर्रा नहीं आने दिया, खून का एक कतरा मैंने दूध में नहीं आने दिया। जिस तरह मैंने खालिस दूध देते हुए गोबर का जर्रा नहीं आने दिया, तू भी मेरी इबादत करते हुए शिरक की पलीती को शामिल न किया कर, न किया कर। मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू मेरी पुकार खालिस किया कर, तू भी मेरी इबादत खालिस किया कर। मैंने तेरी तबीयतों का लिहाज किया, तू भी तो मेरी उलूहियत का लिहाज रखना। तो ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई किस लिए? अपनी वहदानियत पर बतौर दलील। ये किसी जात के लिए कायनात नहीं बनाई, ये किसी हस्ती के लिए नहीं बनाई। जो रिवायत पेश की जाती है वो मौजू है, वजा की गई है, नबी पाक पर झूठ बोला है जिसने भी बोला है। और अगर आप में कोई अरबी से शुद्ध बुद्ध रखने वाला आदमी मौजूद है, कोई पब्लिक में सामेईन में मौजूद है, तो वो बोले लऊ ला के साथ अरबी में का जमीर आती है या अंत आती है, बोले वो लऊ ला का नहीं होता, लऊ ला अंता। जिसने घड़ी उसे इतना भी पता ना चला कि मैं लफज ही गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, लऊ ला का नहीं लऊ ला अंता। मौजू हदीसें बयान की जाती, उनके सहारे लिए जाती। जिक्र यह करना चाहता था कि जब नबी पाक ने मुसलसल रोजे रखे तो आपने फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरे जैसा। तो यहां से हमारे दोस्तों ने इस्तिदलाल पकड़ लिया कि नबी बशर नहीं होते। आपने खुद कहा है कि तुम में मुझ जैसा कौन है, उसका क्या मैंने बशर होने में, मिसलियत उसमें क्या, अय्युकुम मिसली। नबी पाक के कहने का मकसद यह था जेड़ा रब नाल मेरा ताल्लुक है वो तुहाडा नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर जिबरील आता है, वही लाता है, रब के सलाम आती हैं। इस माने में आपने कहा कि तुम में से कौन मुझ जैसा है, मर्तबे में, मकाम में, दर्जे में, अजमत में, इल्म में, रब के साथ ताल्लुक में, तुम में कौन है जो मुझ जैसा है। यह माना है अय्युकुम मिसली का, यह माना है कि मैं बशर नहीं हूं। किधर ले जाओगे रब के कुरान को? सोलवा पारा है, सूरत काफ है, सूरत काफ की आखिरी आयत है, अल्लाह ताला कहते हैं कुल, मेरे पैगंबर आप कहें इन्नमा आना बशरुन मिसलुकुम। और वहां क्या कहा अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मुझ जैसा, मेरी मिसल। और यहां क्या कह रहे हैं इन्नमा आना बशरुन मिसलुकुम। तो फिर ऐसा माना करो कि कुरान अपनी जगह पे सही हो जाए, मेरे नबी का फरमान अपनी जगह पे सही हो जाए। यहां क्या कहा अय्यु इन्नमा आना बशरुन मिसलुकुम, किस मायने में, किस मायने में मिसलुकुम, तुम्हारे भी मां बाप मेरे भी मां बाप, तुम भी पैदा हुए मैं भी पैदा हुआ, तुमने भी किसी औरत का दूध पिया मैंने भी किसी औरत का दूध पिया, तुमने भी बकरियां चराई
मैंने भी बकरियां चराई, तुम भी तिजारत करते हो मैं भी तिजारत करता हूं, तुम भी सफर करते हो मैं भी सफर करता हूं, तुमने शादियां की मैंने भी शादी की, तुम्हारे बाल बच्चे मेरे भी बाल बच्चे, तुम भी थक जाते हो मैं भी थक जाता हूं, तुम भी रात को सोते हो मैं भी सोता हूं, तुम्हें भी भूख लगती है मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें प्यास सताती है मुझे भी प्यास सताती है, तुम्हें बुखार चढ़ जाता है मुझे भी बुखार चढ़ जाता है, तुम्हारे सर में कभी दर्द होता है मेरे सर में भी कभी दर्द होता है, इस माने में है इन्नमा आना बशरुम। और वहां जो कहा अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरी मिसल है, वहां वहां किस में मर्तबे में, वहां क्या है मर्तबे में दर्जे में मकाम में अजमत में शान में, शान में रब से मोहब्बत में अकीदत में ताल्लुक में तुम में से कोई मुझ जैसा नहीं। मर्तबे में तो कोई नबी पाक जैसा नहीं, सारे नबी भी मिल जाएं तो मेरे नबी के मकाम का मुकाबला नहीं हो सकता। नूरियों नारियों खाकियों सबके सरदार हैं मेरे नबी, सबसे आला हैं सबसे अफजल हैं और सबसे ऊंची हैं, सबसे बरतर हैं और सबसे बाला कदर हैं। तो मैंने आज जिक्र ये किया कि मेरे नबी जो कहते थे वो करके दिखाते, उम्मत को हुक्म दिया रमज़ान के रोज़े रखने का और खुद रमज़ान के भी रख रहे हैं, अय्याम बीज के भी रख रहे हैं, हर सोमवार और हर जुमेरात को भी रोज़ा रख रहे हैं और कभी कभी दो दो तीन तीन दिन लगातार रख रहे हैं, बीच में कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं ना रात में ना दिन में। तो उम्मत को रमज़ान के रोज़ों का हुक्म दिया, तो मेरे नबी की सीरत का सबसे अहम पहलू यह है कि मेरे नबी जो उम्मत को हुक्म दिया करते थे मेरे नबी वो खुद करके, खुद आप अमल करते थे उस पर, आप वो करके उम्मत को दिखाया करते थे। दरसे कुरान इंशाल्लाह 18 ब्लॉक में आज होगा और मैं खुद दरस दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैंने खुद दरस देना है आज। आप तमाम हजरात जो पहले तशरीफ लाते हैं वो भी आए, अगरचे सर्दी रुकावट होती है मेरे जहन में है कि दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करें तो हजरात तशरीफ़ लाया करें। आज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह दरसे कुरान होगा। बाहर एक आदमी होगा, वो गरीब आदमी है और उसके मकान की चार दीवारी नहीं है और उसकी जवान बेटियां हैं और वो मुवाहिद है, बड़ा हमारा दोस्त साथी है मांगोवाल के इलाके में, उसके साथ हजरात तआवुन करके जाएंगे। दें जी अज़ान।